वेलकम बैक क्लास। आज बेटा हम एक ऐसा टॉपिक सीखने जा रहे हैं जो आपको फॉर द फर्स्ट टाइम स्टैंडर्ड 7 में सिखाया जाएगा। इस टॉपिक का नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। ये टॉपिक बेटा अब से कुछ समय पहले तक, यानी कि जब तक टेक्स्ट बुक चेंज नहीं हुई थी तब तक 7 स्टैंडर्ड में एक सेपरेट टॉपिक के रूप में आता था, चैप्टर के रूप में आता था, स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बट टेक्स्ट बुक चेंज होने के बाद इसे इंडेक्सेस में ही मर्ज कर दिया गया, क्लब कर दिया गया। अब आपको जो समझना है ना बेटा वो ये है कि स्क्वेयर का मीनिंग क्या होता है और स्क्वेयर रूट का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको स्क्वेयर का डेफिनेशन दे रहा हूं कि वो डेफिनेशन क्या है। तो आप सब सीधे बैठोगे जैसे नॉर्मल हर बार बैठने को मैं बोलता हूं, एंड पे इन अटेंशन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट। सो वी बिगिन। सबसे पहले बेटा आपको ये समझना पड़ेगा कि स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है। सो आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ज्योमेट्री का फोर साइडेड फिगर जिसकी चारों साइड इक्वल होती है आप उसको स्क्वायर बोल सकते हो, करेक्ट। सर एल्जेब्रा में जो इंडेक्स टू होता है ना तो उसको स्क्वायर रीड किया जाता है, करेक्ट। बट डेफिनेशन किधर है? डेफिनेशन मुझे डिफाइन चाहिए, मुझे आपके अपने वर्ड्स में उसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। तो डेफिनेशन कहता है व्हेन अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। व्हेन अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है बेटा? एनी नंबर दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, या फिर द नंबर का सीरीज विच बिगिन फ्रॉम वन। स्टैंडर्ड 6 इंटीजर्स में हमें सिखाया गया, correct? So we write the definition as this. Then when a natural number is multiplied by itself, comma, the product so obtained is the square of that number। एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा। डिफाइन कहता है आप कोई भी एक नेचुरल नंबर लो और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर दो। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ो, when a natural number is multiplied by itself, आपको एक ही ऑपरेशन करना है मल्टीप्लाई और वो ही नंबर रिपीट करना है। जब एक नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना बेटा, जो भी आंसर आपको मिलेगा, जो भी आंसर आएगा वो आंसर बन जाता है आपका स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। फॉर एन एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, सबसे पहला Q1, find the squares। अब बेटा ये जो टॉपिक है ना ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट कॉपी ऑल दिस एंड देन सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 30। समझ में आ गया एक बार। हम लोग आज उस पांच या उन पांच नंबरों की बात करेंगे जो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट। They are 7, 11, 13, 17 and 19। ये पांच नंबर है बेटा, पांचों के पांचों प्राइम नंबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं मैथ्स में। तो सबसे पहला ही है आपका, फर्स्ट नंबर इज
सेवन का स्क्वायर, करेक्ट ना? सेवन का स्क्वायर दैट इज सेवन मल्टीप्लाई बाय सेवन विल गिव यू 49, करेक्ट? सेवन स्क्वायर मतलब सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्यों सर? डेफिनेशन क्या कहता है? When a natural number is multiplied by itself, खुद ही से मल्टीप्लाई हो जाएगा, the product so obtained is the square of that number. In short, 7 का square means 7 7 का 49, correct? फिर है बेटा आपका दूसरा नंबर 11 multiplied by 11 will give you 121. That is 11 square is equals to 11 multiplied by 11 is equal to 121. Next year beta aapke liye thirteen multiplied by thirteen is equal to 169. ये है आपका तीसरा नंबर. 13 square is equals to 13 multiplied by 13 and 13 is 169. Correct? फिर है बेटा आपका फोर्थ नंबर. That is 17 square. So this will become 17 multiplied by 17 is equals to 289. और फिर लास्ट एंड फाइनल है आपका 19 square, which is 19 multiplied by 19 is equals to 361. ठीक है? अब बेटा आप सोचोगे कि सर आपने ये स्क्वायर खुद ही सॉल्व किया, मल्टीप्लाई भी नहीं किया और खुद ही आंसर बता दिया. क्योंकि बेटा आपको इस चैप्टर में स्क्वायर फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है स्क्वायर रूट. अब आप बोलोगे सर ये नया पंगा आया, आपने डिफाइन लिखा है स्क्वायर का, बात करते हो स्क्वायर रूट की. वेरी सिंपल बेटा, जब मॉर्निंग में सुबह स्कूल आते हो तो मम्मी ये पूछती है क्या आज घर आएगा या आएगी, वो बट ऑब्वियस अंडरस्टूड है कि रिटर्न जर्नी होगी ही होगी. वैसे ही अगर आपने स्क्वायर निकालना सीख लिया तो अब इसकी रिटर्न जर्नी होगी एंड दैट इज स्क्वायर रूट. एकदम सिंपल है बेटा, स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके आंसर आता है, स्क्वायर रूट में डिवाइड करके आंसर आता है. स्क्वायर में आपको क्वेश्चन दिया रहेगा और हमें आंसर फाइंड करना है, स्क्वायर रूट में आंसर दिया रहेगा हमें क्वेश्चन फाइंड करना है. सिंपल. लेकिन जब हम सॉल्विंग के लिए उतरेंगे ना बेटा, तब आपकी मुलाकात इन पांच नंबरों से होगी. कौन सी? 49, 121, 169, 289, 361. और फिर आप मेरा मुंह देखना, मैं आपका मुंह देखूंगा और अपन दोनों है ना ऐसे एक दूसरे को देखते रहे. वो तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए आपको आज ये पांचों स्क्वायर याद करने हैं. याद करना है मतलब एकदम सिंपल है, 7 स्क्वायर 49, 11 स्क्वायर 121, 13 स्क्वायर 169, 17 स्क्वायर 289, 19 स्क्वायर 361. खत्म. आपको मुश्किल से 15 सेकंड लगेंगे और ये पांचों स्क्वायर आपको याद हो जाएंगे. और एक बार बेटा आपको ये स्क्वायर याद हो गए ना, फिर स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो इसके आने वाले वीडियोस में हम बैक टू बैक देखने वाले हैं. इसीलिए अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, फर्स्ट आपको ये डेफिनेशन याद कर लेना है. बड़ा ही सिंपल डेफिनेशन है, दैट इज व्हेन अ नेचुरल नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय itself, the product so obtained is the square of that number. और दूसरा, ये पांचों example आपको याद कर लेने हैं.
अब बेटा इसके आगे जो स्क्वायर रूट का वीडियो है ना वो बड़ा ही सिंपल है और बहुत ही मजेदार है। आपको वापस से एचसीएफ और एलसीएम में ले जाऊंगा। 2 से डिवाइड करो, 2 से नहीं होता है तो 3 से करो, 3 से नहीं होता है तो 5 से करो, वही सब रिवीजन पैटर्न चलने वाला है। क्लियर? सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज कीप विद दैट। आप लोग अपना ये होमवर्क दैट इज मेमोराइजिंग दिस एंड द 5 स्क्वायर कंप्लीट करो।